वैसे तो पैरासीटामोल एक बहुत ही कॉमनली यूज ड्रग है, लेकिन ये जो पैरासीटामोल है इसके कारण टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है इसमें हम पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी है, इसमें हमने सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसके पीछे का मैकेनिज़्म क्या है। तो दोस्तों जब पैरासीटामोल का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसका जो मैक्सिमम जो मेटाबॉलिज्म है, मतलब अराउंड 80% जो मेटाबॉलिज्म है वो होता है लीवर में बाय द प्रोसीजर कॉल्ड एज ग्लूकोरोनिडेशन। ये जो प्रोसीजर है इसके थ्रू मैक्सिमम मतलब 80% मेटाबॉलिज्म होता है और जो 5% पैरासीटामोल है वो अनचेंज्ड एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन में। फिर जो बचा हुआ पैरासीटामोल है अराउंड 15-20% वो कन्वर्ट हो जाता है ये कंपाउंड जिसे कहते हैं NABQI। तो ये जो कंपाउंड है ये एक टॉक्सिक कंपाउंड है। ये जो कंपाउंड है इसका एक लंबा चौड़ा केमिकल नेम है, वो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो कंपाउंड है ये एक टॉक्सिक कंपाउंड है। लेकिन बॉडी में एक मैकेनिज्म रहती है जिसके थ्रू इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो कंट्रोल की जाती है। तो वो ऐसी है कि ग्लूटाथायोन नाम का एक कंपाउंड रहता है बॉडी में, जो ये NABQI है इसको नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है जो अल्टीमेटली फिर यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये है नॉर्मल मेटाबॉलिज्म पैरासीटामोल का। लेकिन अगर पैरासीटामोल का डोज अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये जो प्रोसीजर है ये सैचुरेट हो जाती है, मतलब यहाँ से फिर मेटाबॉलिज्म होना पैरासीटामोल का बंद हो जाता है और मैक्सिमम जो मेटाबॉलिज्म है फिर ये प्रोसीजर से शुरू रहता है और ये जो टॉक्सिक कंपाउंड है ये बनते रहता है। अब ये जो टॉक्सिक कंपाउंड है ये अगर बहुत ज़्यादा बन गया तो ग्लूटाथायोन के जो स्टोर्स है बॉडी में वो भी बहुत लिमिटेड रहते हैं, तो ये भी अल्टीमेटली ख़त्म हो जाते हैं और फिर ये जो NABQI जो है इसका जो लेवल है ये बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो कंपाउंड है ये एक टॉक्सिक कंपाउंड है जो लीवर में जो लीवर के सेल्स है उसका जो प्रोटीन है इसके साथ वो कंबाइन होता है और अल्टीमेटली फिर लीवर नेक्रोसिस हो जाता है, मतलब लीवर जो है वो डेड होना शुरू हो जाता है। तो ये है मैकेनिज्म पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी का। ये जानना हमें इसलिए ज़रूरी है कि आगे जो ट्रीटमेंट आने वाली है या फिर इसके जो कॉजेस है वो भी समझने के लिए हमें ये मैकेनिज्म बहुत ही जानना इम्पॉर्टेंट है। फिर अब हम ये देखते हैं कि पैरासीटामोल तो बहुत सारे लोग लेते हैं लेकिन फिर टॉक्सिसिटी कैसे होती है, तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो सबसे पहला जो है वो है ओवरडोज। अगर पैरासीटामोल का जो डोज है वो अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो वो जो डोज है वो है मोर देन 150 मिलीग्राम पर केजी, इसके ऊपर अगर डोज चले जाए तो पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी हो जाती है। फिर दूसरा है स्मॉल चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे रहते हैं या फिर एस्पेशली जो प्री मैच्योर जो बच्चे रहते हैं इनमें ये जो नॉर्मल प्रोसीजर है मेटाबॉलिज्म की ये इतनी डेवलप हुई नहीं रहती है और इसलिए इनमें अगर थोड़ा भी पैरासीटामोल ज़्यादा हो गया तो उनको टॉक्सिसिटी हो जाती है। फिर तीसरा जो कारण है वो है लीवर इनसफिशेंसी। अगर कोई कारण से जो लीवर है वो कमज़ोर है, जैसे पेशेंट को अगर सिरोसिस लीवर है या पेशेंट अगर अल्कोहलिक है जिसके कारण उसका जो लीवर है वो ख़राब हो गया है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी जल्दी से पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो जो फिर लीवर डिसीज़ के पेशेंट है उनमें हमें जो पैरासीटामोल है जब हम नॉर्मली पैरासीटामोल ऐसे पेशेंट को देते हैं तो उसका जो डोज है वो हमें प्रॉपरली कैलकुलेट करके देना ज़रूरी रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी है उसका मैकेनिज्म क्या है ये देखा और फिर कौन से कंडीशन में ये टॉक्सिसिटी होती है वो भी हमने जान लिया। तो अभी तक आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और ये चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अभी हमने ये चैनल पे एक सिल्वर मेंबरशिप चालू की है जिसमें हम रोज़ एक MCQ या फिर एक नॉलेजेबल पोस्ट आपको भेजते जाएंगे। तो दोस्तों ये मेंबरशिप आप ज़रूर चेक कीजिए, ये बहुत ही सस्ती मतलब 29 रुपीज़ पर मंथ में हमने शुरू की है और ख़ासकर ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं
जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये जो मेंबरशिप है ये बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है। तो दोस्तों चलिए अब हम हमारे टॉपिक के आगे के पार्ट में जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी है इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं। तो पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स समझने के लिए इसे 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। पहली जो स्टेज है इसे कहते हैं प्री इंजुरी। ये जो स्टेज है ये 0 to 12 आवर्स, मतलब जब पेशेंट ने पैरासीटामोल इंजेस्ट किया है वहाँ से 12 घंटे तक ये स्टेज रहती है। इसमें जो सिम्टम्स रहते हैं ये बहुत ही नॉन स्पेसिफिक रहते हैं, जो बहुत सारे दूसरे जो डिसीजेस है उनके साथ कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो इसमें क्या क्या रहता है, तो इसमें नौशिया रहता है, वोमिटिंग रहता है और एनोरेक्सिया रहता है। अगर ये जो पेशेंट है इसके हमने लीवर फंक्शन टेस्ट भेजे तो हमें इसमें नॉर्मल लीवर एंजाइम्स मिलेंगे। अगर हमारे गांव में या हमारे हॉस्पिटल में ब्लड पैरासीटामोल लेवल्स अगर देखने की सुविधा है तो ये स्टेज में आप उसे भेज सकते हैं और आपको वहाँ पे ये जो लेवल्स है ये बढ़ी हुई मिल जाएगी। दूसरा जो स्टेज है वो है लीवर इंजुरी, और ये जो स्टेज है ये चलती है 8 आवर्स से 36 आवर्स। और ये जो स्टेज है इसमें मेन जो सिम्टम है वो है पेन इन एब्डोमेन, और ये स्टेज में फिर जो लीवर एंजाइम्स है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके साथ साथ PTINR और APTT ये जो कोएगुलेशन के जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी डिरेंज होना शुरू हो जाते हैं। फिर आती है तीसरी स्टेज, दैट इज़ हिपेटिक टॉक्सिसिटी, और ये चलती है फ्रॉम 2 to 4 डेज। और यहाँ पे बहुत सारे फिर कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाते हैं, जैसे पेशेंट को एनकेफेलोपैथी हो सकती है और उसको मल्टी ऑर्गन फेल्योर भी शुरू हो सकता है। यहाँ पे इसके जो LFTs है वो ग्रॉसली डिरेंज रहते हैं, इसमें हाइपोग्लाइसीमिया भी मिल सकता है, इसमें लैक्टिक एसिडोसिस भी मिल सकता है, और इसमें पेशेंट का क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि यहाँ पे फिर रीनल फेल्योर होना भी शुरू हो जाता है। फिर आता है स्टेज 4, इसे आइदर हम रिकवरी कहेंगे या फिर पेशेंट की इसमें डेथ हो जाती है, और ये स्टेज आती है 4 दिन के बाद। अगर पेशेंट इम्प्रूव हो रहा है तो उसके सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाएंगे या फिर पेशेंट की डेथ हो जाएगी, और जो फिर जो लेबोरेटरी पैरामीटर्स है वो भी इसमें इम्प्रूव हो जाते हैं। दोस्तों अब हम वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ आते हैं, और वो है कि पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो इसमें हम जो नॉर्मल पॉइजनिंग मैनेजमेंट का जो प्रोटोकॉल है वो ही फॉलो करेंगे। इसके रिलेटेड मैंने पहले एक वीडियो बनाया है जो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों अब पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी का मैनेजमेंट में जो पहली स्टेप है वो है रिससिटेशन। लेकिन आप देखेंगे कि इमीडिएटली अगर पेशेंट हमारे पास आया, मतलब स्टेज 1 में आया, तो वहाँ पे ये जो पेशेंट है ये इतना बैड नहीं रहता है, और मोस्टली ये जो रिससिटेशन है इसकी गरज हमें इसमें नहीं पड़ती, अनलेस पेशेंट हमारे पास अगर बैड कंडीशन मतलब स्टेज 3 में आया तो वहाँ पे रिससिटेशन की गरज पड़ सकती है। फिर आता है गैस्ट्रिक लवाज एंड एक्टिवेटेड चारकोल। अगर हमारे पास पेशेंट विद इन 2 आवर्स, अगर 2 घंटे के अंदर हमारे पास अगर पेशेंट आ गया तो हम उसे गैस्ट्रिक लवाज दे सकते हैं या फिर एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हैं, जिसके कारण फिर वो जो पैरासीटामोल है वो बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं होगा। फिर इसका जो एंटीडोट है वो है एन एसिटिलसिस्टीन, जिसे हम म्यूकोमिक्स भी कहते हैं। और ये जो एन एसिटिलसिस्टीन है ये कैसे काम करता है, तो ये जो ग्लूटाथायोन है इसकी जो लेवल्स है उसे बढ़ाता है, और हमने पहले ही मैकेनिज्म में देखा कि ग्लूटाथायोन अल्टीमेटली ये जो टॉक्सिक कंपाउंड है इसे नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये है एन एसिटिलसिस्टीन के पीछे का मैकेनिज्म। इसका जो डोज है वो ऐसा है कि पहले हम 150 मिलीग्राम पर केजी म्यूकोमिक्स डालते हैं 200 ml ऑफ 5% डेक्सट्रोज में, और उसे देते हैं 15 मिनट में एज अ बोलस डोज। फिर सेम डोज हम कंटिन्यू करते हैं ओवर 20 आवर्स। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो ट्रीटमेंट है ये हम कब तक कंटिन्यू करेंगे, तो जब तक पेशेंट के सिम्टम्स इम्प्रूव होना नहीं चालू हो जाते या फिर उसके जो लेबोरेटरी पैरामीटर्स है वो इम्प्रूव होना नहीं चालू हो जाते, तब तक ये जो ट्रीटमेंट है हम कंटिन्यू करते रहेंगे।
फिर कभी कभी पेशेंट को लीवर ट्रांसप्लांट का भी ज़रूरत पड़ सकता है। अगर पेशेंट स्टेज थ्री में चला गया है और वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो आइडियली ऐसा जो पेशेंट है इसे हमें हायर सेंटर भेज देना चाहिए जहाँ पे लीवर ट्रांसप्लांट की सुविधा अवेलेबल है, क्योंकि पैरासीटामोल डोज से एक्यूट फल्मिनेंट लीवर फेलियर हो सकता है। और ये जो पेशेंट है इसे अगर लीवर ट्रांसप्लांट टाइम पे नहीं मिला तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार आज की वीडियो में ये जो पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी है इसके बारे में हमने डिटेल में जानकारी ली है। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों में आप शेयर कीजिए, और ये चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।